भाजपे आज थी धुआधार प्रचार शुरू कर्यो छे। जेपी नड्डा नवसारी पहुंचा छे। नवसारी में जनजावाती प्रचार करवामां आवी रह्यो छे। सीधा जईशुं त्यां। ये अफजल पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड है और नारे के लगने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फैसला दिया। कातिल कौन हो गया? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिन्होंने उसको सही ठहराया। और राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू पहुंच जाते हैं हम तुम्हारे साथ और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं। आप भारत जोड़ने निकले हैं या तोड़ने निकले? कल का आपका बयान महापुरुष वीर सावरकर के बारे में, इतना हल्का बयान स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ, क्या सोच है? तो इसलिए ये तोड़ने निकले हैं, ये जोड़ने नहीं निकले हैं। और इनसे कुछ भी होगा तो टूटेगा ही टूटेगा, जोड़ना तो आता है आता ही। अब दूसरी भी एक पार्टी आई है, नहीं नहीं बड़ा जोश है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने गए थे, उत्तर प्रदेश 350 सीटें लड़ी और 349 सीटों पर जमानत जब्त करा दी। ये उत्तराखंड गए थे चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाएंगे सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने भी कहा बाबा पता नहीं क्या हो जाएगा। इनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो आजकल हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे बीजेपी में। और 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 69 सीटों में 65 सीट पर जमानत जब्त कराई। मैं गोवा गया, एयरपोर्ट पर उतरा, सुधीर जी आपने भी देखा होगा, पोस्टर ही पोस्टर, बैनर ही बैनर, यहां भी लगाते होंगे बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा यार ये इनकी क्या हाल है? बोला आगे आगे चलिए देखिए क्या हाल हो। वहां 35 सीटों पर चुनाव, 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 पर जमानत जब्त करा ली। ये इनका रिकॉर्ड है। मणिपुर तो गए नहीं, बड़े दूर था। हमारे हिमाचल पहुंचे, मेरी बात नोट कर लेना, 67 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, इसको अपने आप तारीख को देखिए। इसलिए मैं आज सिर्फ आपसे कहने आया हूं कि जो लोग अब मेरे से पत्रकार पूछते हैं आप चुनाव, मैंने कहा ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। हम चुनाव तब लड़ने लगते हैं जब हम शपथ ग्रहण हासिल करते हैं। उस दिन से हम काम पर जुट जाते हैं, उस दिन से हम तय कर लेते हैं कि हमने लोगों की सेवा करनी है, उनका जीवन स्तर उठाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको तीव्र गति से आगे ले जाना है, देश को दुनिया को के सामने खड़ा करना है, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, चौड़ी सड़कें बनानी है, 4 लेन 6 लेन सड़क बनानी है। ये हमारे टारगेट होते हैं। उनका टारगेट होता है इस बार घर भरना है, बेटे को सेट करना है, ताऊ का बिजनेस बनाना है। तो वो खाते हैं मेवा, हम करते हैं सेवा। हम काम करते हैं मिशन से, वो करते हैं कमीशन के। दोनों में बड़ा अंतर है। पहला तबक्कानी चूंटणी माटे प्रचार प्रसार शुरू थई गयो छे। भाजपे दमदार प्रचार शुरू कर्यो छे। वो करते हैं कमीशन के लिए। दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए अब आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं, आप सब इतनी बड़ी संख्या में भाइयों और बहनों आए हैं और मुझे मालूम है कि आप सब अगर इतनी गर्मी में यहां पर बैठे हैं और शांति से मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका वोट तो भारतीय जनता पार्टी को आना ही है, ये तय है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके पड़ोसी का, आपके घर वालों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके मोहल्ले वालों का, उनका वोट भी मैं चाहता हूं कि वह भी राष्ट्र के लिए प्रदेश के हित में लगे, इसकी हमको चिंता करनी है। इसलिए अब हम बैठे नहीं, काम में जुट जाएं। मेरा संदेश, और मेरा संदेश क्या, यहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, मुझे बताया गया है कि शायद उनका कार्यक्रम होगा यहां, तो जब वो आएंगे
तो उनका संदेश लेकर के आप गांव गांव जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, सब लोगों को आप बताइए और राकेश भाई को चुनाव जिता करके आप भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। आभार। विकास की गाथा हृदय में उतरी जाए ए रीते समझाव बदल नड्डा जी साहेब नो आभार। अने एक मिनिट आपणो लईए हवे आपणी वच्चे जेपी नड्डाए सभाने संबोधन कर्यु ने आम आदमी पार्टी पर पण आकरा प्रहार कर्या छे। कांग्रेस पार्टी पर पण प्रहार कर्या छे। जेपी नड्डाए जे प्रकारे उपलब्धियो विकासनी भारतीय जनता पार्टीए दी सरकारे जे करी छे ते जणावी, परंतु साथे साथे जे विपक्ष में बैठेली पार्टीओ छे तेने पण तेमणे आड़े हाथ लीधी हती। गुजरातनी भूमिए परिवर्तनी गंगा